गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो हमने आज इसमें टॉपिक करना है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या किया था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है कि स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप, मतलब कि जिससे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है। तो वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज़ विद द एग, मतलब कि जब भी मेल का स्पर्म फ्यूज़ होता है फीमेल के एग के साथ, तो इस फ्यूज़न को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। एग और स्पर्म का फ्यूज़न ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। आपने भी देखी है कि स्पर्म प्लस एग इज इक्वल टू फर्टिलाइजेशन, उससे क्या बनेगा, जायगोट। एक पिक्चर है आपके पास, ये हमारा जायगोट है एक, और दूसरा हमारे पास फर्टिलाइजेशन। तो जब हमारा मतलब कि स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है और सिंगल न्यूक्लियस बनाता है, तो इस रिजल्ट से क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग होता है वो जायगोट बना देता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल तैयार होता है। तो इसका प्रोसेस हमारा कहाँ चलता है, मदर का एग और फादर का स्पर्म। तो इसीलिए जो हमारी इंडिविजुअल हैबिट्स होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हमारी फादर्स और मदर के साथ सिमिलर होती हैं। आपको पता ही है कि कई बार हम बोलते हैं ना कि ये बच्चा फादर पे गया है, इसकी शक्ल फादर पे मिलती है, इसकी शक्ल मदर पे मिलती है। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारा जो मतलब कि बेबी बॉर्न होता है वो फादर और मदर का स्पर्म प्लस एग का कनेक्शन होता है। तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस फीमेल बॉडी इज कॉल्ड, ये मतलब कि सारा फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगा, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैनी एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमंस हो गए, काउज हो गए, डॉग्स हो गए। तो नेक्स्ट हमारा आता है, हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज। आपको पता है कि कई बार मतलब कि वुमेंस की, कुछ वुमेंस का ओविडक्ट ब्लॉक होता है, तो उसमें मतलब कि उनमें जो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाता, क्योंकि उसमें मतलब कि स्पर्म अंदर ही नहीं जा पाता। तो क्या होता है कि उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, मदर का एग कलेक्ट करके और फादर का स्पर्म कलेक्ट करके क्या करते हैं, वो IVF में डालते हैं, जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो वो 1 वीक के बाद वो एग और स्पर्म डिवेल्प हो जाता है, स्पर्म डिवेल्प हो जाता है। जब वो डिवेल्प हो जाता है तो उसको मदर के यूट्रस में डाल दिया जाता है, तो उससे मतलब कि एक बेबी बॉर्न होता है। तो इसको हम, इस टेक्निक को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब टेक्निक। तो इसमें हमारे पास एक एक्टिविटी है, वो आप देख सकते हो कि जो मतलब कि आपने पॉन्ड्स और की विजिटिंग करनी है, वहाँ पे आपने फ्रॉग को देखना है। तो फ्रॉग का मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, तो फ्रॉग्स और टॉड्स पॉन्ड में मूव कर रहे होते हैं स्लो उसमें। तो जो बाहर की साइड होगा मतलब कि फर्टिलाइजेशन, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फ्रॉग्स का मतलब कि फर्टिलाइजेशन होता है वो सारा कहाँ पे होता है, ये हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। तो नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, आपके पास एक पिक दिखाई गई है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है रिजल्ट, मतलब कि जो भी हमारी डेवलपमेंट होगी वो कहाँ पे होगी, एम्ब्रियो में होगी। जायगोट डिवाइड्स हो जाएगा, एक बॉल की शेप आ जाएगी। आपके पास एक ये फिगर देख रहे हैं आप, उसमें यूट्रस है, ओवेरी है, एम्बेडिंग एम्ब्रियो है, ओव्यूलेशन है। तो ये सारा प्रोसेस, पहले सिंगल सेल होता है, फिर वो डबल हो जाता है, फिर 4 सेल्स हो जाते हैं, उसके बाद मतलब मैनी सेल बन के एम्ब्रियो का प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट हमारे पास ये आप बॉल शेप देख रहे हो, फिर वो एक बॉल शेप ले लेते हैं और ऑर्गन्स में हम, और जो सेल्स होते हैं या टिश्यू बन जाते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एम्ब्रियो का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो लास्ट में हमारे पास क्या आता है, इसमें एक एम्ब्रियो की मतलब जो यूट्रस वॉल और डिवेल्प एम्ब्रियो, और हमारा सारा का सारा एम्ब्रियो पूरा का पूरा डिवेल्पिंग हो जाती है। तो जो एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डिवेल्प, एम्ब्रियो मतलब यूट्रस में कंटिन्यू डिवेल्प हो जाता है। इस पार्ट में हमारे क्या बनते हैं, बच्चे के हेड्स, लेग, आईज, ईयर्स, सारे पार्ट्स बनते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फोर्टियस। तो फोर्टियस जब पूरा डिवेल्प हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो इस पे क्या होता है, फिर एक मदर क्या करती है, एक बेबी बॉर्न करती है। तो जो हमारा ये प्रोसेस इस तरह से चलता है, ठीक है। तो जो हमारा ये जायगोट होता है वो रिपीडली होता है, ट्रैवल्स डाउन करता रहता है। इसी तरह से हैन का भी, इसी तरह से हमारी जो हैन होती है उसका भी प्रोसेस, मतलब कि वो भी इसी तरह से बेबीज़ को बॉर्न करती है, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम को करते हैं वीवी पोरस और ओवी पोरस एनिमल्स। वीवी पोरस वो एनिमल होते हैं जो मतलब कि जैसे हमारा बेबी बॉर्न होता है, जिन एनिमल्स का बेबी बॉर्न होता है मतलब जन्म लेते हैं वो मेल एंड फीमेल के कनेक्शन के द्वारा। बट जिन एनिमल्स जो एनिमल्स अंडों के द्वारा अपने बच्चों को पैदा करते हैं उनको हम बोलते हैं ओवी पोरस। तो आपको मतलब कि एग किस किस के मिल सकते हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह, फ्रॉग हो गए, हैन हो गए, लीजर्ड हो गए, बटरफ्लाई हो गए, इनके एग तो आपको मिल जाएंगे, बट डॉग हो गया और कैट हो गई, काऊ हो गया, इनके एग आपको नहीं मिल सकते। तो ये हमारे कैसे होते हैं, ये बेबी बॉर्न होते हैं कैसे होते हैं, मेल एंड फीमेल के द्वारा। तो इनको हम क्या बोलेंगे, वीवी पोरस, और जिनका मतलब कि एग्स क्या होगा उनको बोलेंगे ओवी पोरस। अब हम करते हैं यंग वंस टू अडल्ट्स। यंग वंस टू अडल्ट्स में क्या है कि एक जो बेबी होता है उसकी मतलब कि डिवेलपमेंट नहीं हुई होती, तो वो मतलब कि यंग वंस से अडल्ट के स्टेज में जाता है, तो उसकी मतलब कि फीचर्स अलग अलग होती हैं, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी अलग होती हैं, और जो उसकी मतलब देखने का फेस होता है, शक्ल होती है, वो भी अलग होती है। तो एक मतलब कि लार्वा से अडल्ट की स्टेज में जाना ही क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो एक आप यहाँ पे फ्रॉग देख रहे हो, इसमें सबसे पहले क्या है, एग हो गया, उसके बाद अर्ली टैडपोल बना, फिर लेट टैडपोल बना, फिर हमारा अडल्ट फ्रॉग बन गया। तो आपको इसमें पता चल ही रहा है कि अलग अलग स्टेजेस हैं और अलग अलग पिक्चर हैं। तो ठीक है, स्टार्टिंग में एग कैसा एग होगा, उसके बाद अर्ली टैडपोल बन जाएगा, उसके बाद लेट बनेगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अडल्ट हो जाएगा। जब अडल्ट हो जाएगा तो यंग वंस से वो मतलब कि अडल्ट की स्टेज में जाएगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोलेंगे मतलब मेटामॉर्फोसिस। और ये हमारे बॉडी के अंदर मतलब कि चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा कि मेल और फीमेल, मेल का स्पर्म और फीमेल के एग्स, दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन ही कहलाता है मतलब कि सेक्सुअल प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल में क्या होता है, वन बेबी वन पेरेंट होता है। ये आपको पिक्चर दिखाई गई बर्डिंग इन हाइड्रा की। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, आपने ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर, हेडलेंस लेने और पेरेंट बॉडी देखनी है। पेरेंट बॉडी में काफ़ी सारे बल्जेस होते हैं, ये आपको साइड्स के अंदर नज़र आ रहे हैं जैसे ये, तो ये हमारे क्या हैं, बल्जेस हैं। तो हर एक हाइड्रा में बहुत सारे बल्जेस होते हैं। अमीबा भी एक मतलब कि सिंगल पेरेंट होता है, इसी तरह से हाइड्रा भी हमारा सिंगल पेरेंट होता है। तो इसीलिए मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए मतलब कि इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बल्जेस डिवेलप होते हैं और न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, इनको इसलिए क्या बोलते हैं, बल्जेस को बर्ड्स भी बोलते हैं। तो रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट, ऐसे ही यीस्ट भी हमारा मतलब सिंगल पेरेंट होता है, तो हाइड्रा भी एक न्यू इंडिविजुअल ग्रोथ करता है, कैसे, सिंगल पेरेंट से। तो इस तरह के प्रोडक्शन को आप में को आपको मैंने बता ही दिया कि क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम एक और नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं बडिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा मतलब कि बडिंग इन हाइड्रा का प्रोसेस जनरेट टू जनरेट चलता है। तो सिंगल पेरेंट होगा इसमें अमीबा की तरह ही, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और ये बिल्कुल मतलब अपने आप को सिमिलर पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से इसकी प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट हम करते हैं कि हमने करना मतलब कि एक जो परमानेंट स्लाइड लेनी है हाइड्रा की, ऑब्जर्व करना है हैंडलेंस या माइक्रोस्कोप से, आपको मतलब कि लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स, कर चुके हैं हम। ऑल्सो नोट द साइज ऑफ बल्जेस, आपको बल्जेस का साइज नोट करना है। फिर आपने हाइड्रा का डायग्राम बनाना है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, एज यू सी दैट कंपेयर इट विद द फिगर 9.11, आपको मतलब कि 9.11 फिगर दिखाई गई है। नेक्स्ट हमारा आता है एक अनदर मेथड भी है जिससे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वो मेथड हम किसकी एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल लेंगे उसके लिए, अमीबा का। लेट अस सी हाउ इट दिस हैपन्स। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, आप अमीबा का स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि कैसा होता है, अभी आपको दिखाएंगे भी कि अमीबा का स्ट्रक्चर कैसे होता है थोड़ी देर में। तो यू वी रिकॉल अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो अमीबा होता है हमारा वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, आपको पता है कि इसमें सिंगल पेरेंट होता है। तो इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस, वो क्या करता है अपने मतलब कि सिंगल पेरेंट होने की वजह से अपने आप को दो न्यूक्लियस में, आपने फर्स्ट पार्ट में देख लो वन न्यूक्लियस है, सेकंड पार्ट में आपको दो न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, तो वो उसने डिवाइडिंग न्यूक्लियस कर दिया, डिवीज़न कर दिया उसका। दिस इज़ फॉलोड बाय द डिवीज़न ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। तो जो मतलब कि रिसीव करेगा अमीबा के दोनों पार्ट, दोनों न्यूक्लियस जो रिसीव करेंगे, तो फाइनली क्या होगा, टू अमीबा मतलब कि प्रोड्यूस हो जाएंगे,
टू अमीबा बन जाएंगे उससे, और वन पेरेंट अमीबा क्या कर देगा, टू अमीबा को रिप्रोड्यूस कर देगा। तो वन पेरेंट अमीबा कैसा था, सिंगल पेरेंट था, और उसने क्या किया, टू मतलब कि अमीबा प्रेजेंट कर दिए। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिशन, हम इसको बाइनरी फिशन भी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फिशन देर आर अदर मेथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट, हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड है कि सिंगल पेरेंट होगा बट हमें मतलब कि चीज़ें कितनी मिल जाएंगी, दो मिल जाएंगी। तो इस बारे में आप स्टडी कहाँ करोगे, हायर क्लासेस के अंदर। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, असेक्सुअल प्रोडक्शन में, असेक्सुअल प्रोडक्शन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हाइड्रा का एग्जांपल लिया, उसमें हमने बर्डिंग इन हाइड्रा को रीड किया, उसके बाद हमने बर्डिंग इन हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखा, फिर हाइड्रा की हेल्प से हमें कैसे कैसे मतलब कि रिप्रोडक्शन होता है वो हमने फाइंड आउट किया, उसके बाद हमारा मतलब क्या है, अमीबा ने किस तरह से अपने पार्ट्स को दो न्यूक्लियस में, एक न्यूक्लियस को दो न्यूक्लियस में डिवाइड कर दिया, फिर हमारे पास क्या हो गया, दो अमीबा आ गए। तो दो अमीबा हमारे पास, हमें दो अमीबा मिल गए तो उनका बॉन्ड हो गया। ठीक है, हम इसका क्विक रिकैप देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या हमने पढ़ लिया। हमने इसमें पढ़ा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल में हमने दो पार्ट्स पढ़े थे। सेक्सुअल कैसा होता है आपको पता ही है, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन। फिर हमने पढ़ा उसके बाद कि डेवलपमेंट ऑफ एम्बियो कैसे होती है, यंग वंस टू अडल्ट्स, यंग वंस की स्टेज में उसे अडल्ट्स की स्टेज में कैसे कैसे गए, और उसकी प्रोसेस को हमने क्या बोला, मेटामॉर्फोसिस। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है कि जैसे अमीबा की होती है वैसे हाइड्रा की होती है। हाइड्रा और अमीबा के हमने दो एग्जांपल्स लिए, और एग्जांपल्स लेके हमने उसको मतलब कि एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे उनकी मतलब रिप्रोडक्शन होती है। थैंक यू सो मच।